देख रहे हैं प्रतिभा टाइम्स, खबर हमारी नजर आपकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरद मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रतिभा टाइम्स। दोस्तों, 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरजमी पर उतरे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व महामंत्री प्रियंका गांधी का लखनऊ रोड शो कार्यक्रम सफल माना जा रहा है। तो वहीं राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के माथे पर लगा काला टीका, जिसे लोगों ने मोहिनी तिलक का नाम दिया, वो भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रतिभा टाइम्स ने जब पूर्व मंत्री विनय पांडे उर्फ बिन्नू भैया से इस काले मोहिनी तिलक के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जैसा कि आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा इतना परेशान क्यों है काले टीके को लेकर कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आए तो उनके बाद उन्होंने काला टीका लगा रखा था। काला टीका लगा करके आना, हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं और भारतीय संस्कृति और सभ्यता में काले टीके का अर्थ हर कोई जानता है। और मुझे ताजुब हो रहा है वो लोग क्यों पूछ रहे हैं और आप मीडिया के लोग इतना ज़्यादा इससे क्यों परेशान हैं और वो लोग इतना क्यों परेशान हैं जिन्होंने भारतीय चाल चरित्र और चिंतन की बात की थी, जो भारतीय संस्कृति का ठेका होने का, उसका पेटेंट होने का दावा करते हैं, इतनी परेशानी क्यों है? और किससे पूछा जा रहा है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस खानदान की है, विरासत है, विरासत में हम हिंदुस्तानियों को मिले हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व इस हिंदुस्तान के लिए और भारतीय समाज के लिए न्यौछावर कर दिया है। याद नहीं है आपको कि हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम की युद्ध में, की लड़ाई में मोतीलाल नेहरू ने अपना सब कुछ, सारा धन, सारी वैभव, सारी संपदा देश के नाम अर्पित कर दी थी। आप भूल गए नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू जी को, उनके सेवाओं को? उन्होंने अपनी जिंदगी के कितने वर्ष स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में बिताए? आप भूल गए उस इंदिरा गांधी को जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, जिसका शरीर छलनी कर दिया गया पोलियो से आतंकवादियों ने? आप भूल गए उस राजीव गांधी को जिसने आतंकवादियों से समझौता नहीं करके हिंदुस्तान की जनता के लिए, आवाम के लिए, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए बम से जिसके चीथड़े उड़ा दिए गए? और फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस माँ की भी संतानें हैं जिस माँ ने वैधत्व झेलते हुए, विरोधियों का सारा कट आक्षेप झेलते हुए, कौन कौन सा आक्षेप नहीं लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिंदुस्तानी और भारतीय संस्कृति के वैधत्व का जीवन जीते हुए एक वो मजबूर माँ याद कीजिए जिसके आगे पीछे कोई नहीं, दो फूल से बच्चों को लेकर के उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और आज उन्होंने कांग्रेस जिस झंडे के तले हमारे शहीदों ने शहादत देके, कुर्बानियां देकर के इस हिंदुस्तान को आजाद कराया, उसके झंडे को बुलंद किया, उसको ताकत दी और जब बच्चे उसके बड़े हो गए तो उन्होंने फिर दे दिया, पहले राहुल गांधी जी को दिया, राहुल गांधी जी को देश को समर्पित किया और राहुल गांधी को देश को समर्पित करके उन्होंने कहा, अपने कलेजे के टुकड़े को दिया, ये जानते हुए कि उनकी सासू माँ जैसी सास का बलिदान लिया है इस हिंदुस्तान ने, उनके सुहाग का बलिदान लिया है इस हिंदुस्तान ने और आज जब आवश्यकता हुई फांसीवादी ताकतों से, भूल रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, होश में आओ। आपने जिसको नेता बनाया, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वो अपराधी मानसिकता के हैं। उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी से नेतृत्व का सफाया कर दिया है। वैचारिक मतभेद होना अलग बात है, लेकिन यहां ये वैचारिक मतभेद की भावना से कार्य नहीं कर रहे, ये तो बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान को एक बाजार बना लिया है इन्होंने और उस बाजार को यूरोपियन जो कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, उसके नाम उसके हाथों गिरवी रखना चाहते हैं। ये मत भूलिए, यहां से लोकतंत्र और यहां के संविधान को खत्म करने का एक बड़ा ही षड्यंत्र रच करके लाए हैं। ये कठपुतली मात्र है, इनके पीछे विदेशी ताकतों का साजिश है इस हिंदुस्तान को फिर से एक बार आर्थिक गुलामी की ओर
ले जाने का। और ऐसे समय मैं धन्य मानता हूं उस माँ को, माता स्वरूप सोनिया गांधी को, जिन्होंने अपने पुत्र और पुत्र के साथ साथ आज आवश्यकता पड़ी 2019 के इस युद्ध में, तो उन्होंने फूल सी बच्ची प्रियंका गांधी को भी देश को समर्पित कर दिया और दे दिया। और इसलिए अगर उन्होंने अपने बच्चों के माथे पे काला टीका लगा करके हिंदुस्तान के आवाम और उत्तर प्रदेश के आवाम, उत्तर प्रदेश से ही वो धाराएं चलती हैं, चाहे स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हो, चाहे आजादी हो, और चाहे आजादी के बाद इस देश को दिशा और दशा देने की हो, इस निर्माण हो, समाज का निर्माण हो, आधुनिक हिंदुस्तान का निर्माण हो, वो सारा कार्य यही के लोगों ने किया है। जवाहरलाल नेहरू यही के बच्चे थे, इलाहाबाद से ही निकल करके दिल्ली के सत्ता पे काबिज होकर के पूरे केंद्र पे पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने एक रास्ता दिखाया। इंदिरा गांधी यही की पैदाइश थी, जिन्होंने अपने अंतिम रक्त की बूंद को इस हिंदुस्तान को समर्पित किया, यहाँ आवाम के नाम समर्पित किया, अपनी जान न्यौछावर की। राजीव गांधी यही के थे, हमारे ही उत्तर प्रदेश के लाल थे, जिन्होंने अपनी जान को गंवाते हुए, अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हुए, इस देश की अखंडता अखंडता के लिए रक्षा करते हुए अपनी लीला समाप्त की। आज फिर आवश्यकता पड़ी है तो भूल जाओ विदेशी विदेशी चिल्लाने वालों, आज उस भारतीय नारी ने, आज उस नेहरू परिवार की एक बहू ने अपने कलेजे के दोनों टुकड़ों को आपके हवाले कर दिया है, काला टीका लगा करके उन्होंने भेजा है, तो उत्तर प्रदेश की जनता के हवाले किया है कि इनकी रक्षा करना, ये काला टीका इसके लिए है, इस हिंदुस्तान के को रास्ता दिखाने के लिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, हमारे जो पुरखों ने शहादत दी थी उस शहादत को जाया ना हो, उसको ऐसे ही न गवाया जाए, उसको ये फांसीवादी ताकतें कहीं दूषित ना कर दे, इसलिए उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों को आपको सौंपा है और काला टीका लगा के भेजा है। हर माँ अपने बच्चे को दुलार करती है और दुलार से काला टीका लगा करके ही समाज को समर्पित करती है, वही कार्य आज सोनिया गांधी ने किया है। अब भूल जाए ये फांसीवादी ताकतें, अब वो सोनिया गांधी मजबूर माँ नहीं रह गई, एक मजबूत माँ है, एक मजबूत इरादे के साथ उन्होंने अपने दोनों बच्चों को हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता के हवाले किया है। ये विजय रथ रुकने वाला नहीं है, निश्चित रूप से कांग्रेस का परचम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में 19 से ही लहराना चालू होगा। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ और निवेदन कर चलना चाहता हूँ आपके मीडिया के लोगों से, अपने मीडिया के लोगों से भी, कि आप लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं, उठो जागो पहचानो। और हमारे जो शहीदों ने, हमारे आपके पुरखों ने आज़ादी की जो लड़ाई, जो शहादत दी है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। फिर से एक बार सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा हम बुलंद करें और इसी के साथ आगे बढ़े। इस काले टीके अन्यथा सवाल मत कीजिए, ये काला टीका हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। आज अगर काला टीका लगा करके उन्होंने भेजा है तो कल जब अधिसूचना जारी होगी, जब रणभेरी बजेगी, तो लाल टीका भी लगा करके और पीला चंदन लगा करके युद्ध के मैदान में कूदेंगे दोनों बच्चे। निश्चित रूप से विजय हमारी है कांग्रेस। आप देख रहे हैं प्रतिभा टाइम्स, खबर हमारी